नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एकदम बिल्कुल नए फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ रोबोट 2.0, जो कि उसका आज टीजर लॉन्च हो गया। आप कहोगे अब कि एक मूवी का सवाल है और एक टेक चैनल है, लेकिन नहीं, मैं इससे कुछ टेक फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है। वो एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा आता है दोस्तों, और जो कि पूरा एनिमेशन पे वो डिपेंड है। इसलिए मैं इसमें आपको कुछ उसका सबसे पहले टीजर का रिव्यू बताऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वेलकम टू डिजिटल नेटवर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक शॉर्ट रिव्यू बता देता हूँ। जैसे कि आपने टीजर देखा होगा, तो सबसे पहले रजनीकांत, जैसे उनके नेम वगैरह कुछ प्रोड्यूसर के नाम आ जाते हैं, और उसी के साथ कुछ मोबाइल सबसे पहले वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक मोबाइल का भवंडर एक क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। और एक रजनीकांत जो है, जो एक हीरो के, एक सुपर हीरो के लुक में नज़र आए हैं, जो कि लुक है वो एकदम सुपर हीरो जैसा आ रहा है। तो उसी के साथ अक्षय कुमार का जो लुक है वो और एक प्रॉपर विलन टाइप आया है, जो कि अक्षय कुमार हमें जिसके मालूम है वो विलन का रोल करने वाले हैं। और टीजर में और इतना पता चला है कि एक एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं। चिट्टी का जो चिट्टी रोबोट का जो एक काम होगा, वो हमको देखने के लिए बहुत मज़ा आ जाएगा। तो हम देखेंगे ट्रेलर में और कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो ये कुछ था टीजर का छोटा सा रिव्यू। और सब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स क्या है उस रोबोट 2.0 में। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कि एक लेटेस्ट एनिमेशन के जो आए हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट वगैरह, उसका इस्तेमाल इस पिक्चर में बहुत अच्छी तरह किया गया है, ऐसा हमें टीजर देख के पता चलता है। और जैसे कि आप जानते हो कि ये 550 करोड़ बजट का एक ये पिक्चर बन रहा है, तो इसमें हमें एक अच्छा एक्शन सीन मिल जाएगा, जो कि है आप सबको पसंद आएगा। और एक बात करें तो हमें इसमें बाहुबली जैसे कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशन सीनिंग, और उसी के साथ कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए कुछ एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हमको एक बहुत ही बेहतर मज़ा लूटने का, हमें बहुत मज़ा आ जाएगा दोस्तों। अगर और इसके एक बात बता दूं, हमें ये थिएटर में जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर 3D में लॉन्च होगी शायद, और जो कि 3D में लॉन्च हुई तो हमें एक एक्शन सीन्स बहुत, हम पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे उस मूवी में। और जो हाईटेक ब्यूटी यूज़ की है इस पिक्चर में, वो हमें एक साल भर के लिए याद ही रह जाएगा दोस्तों। और मेरे हिसाब से ये पहले 1-2 महीने तो इसके शो हाउसफुल ही रहेंगे जब रिलीज़ होगी पिक्चर 29 नवंबर को। उसी के साथ ये कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स थे दोस्तों, एक छोटा सा रिव्यू भी था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।